सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सीक्रेट गीगल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट गीगल। मैं होस्ट होती हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी घर पे कैसे बनाते हैं चॉकलेट और वनीला मूस। तो चलिए देख लेते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स और बनाते हैं चॉकलेट एंड वनीला मूस। मैंने यहाँ पे ले लिया आइस क्यूब्स एंड आइसिंग शुगर। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ करीबन 8 से 10 आइस क्यूब्स। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया स्टील बाउल, ये देखिए ये ठंडा हो रहा है नीचे से। मैं यहाँ पे डिलाइट का व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे 1.5 कप लिया है, ये देखिए। अब हम इसे बीट करेंगे। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ, आप हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आइसिंग शुगर 1.5 टेबल स्पून। अब हम इसे फिर से बीट करेंगे, ये देखिए ये थिक होना शुरू हो चुका है। तो मैं यहाँ पे फिर से आइसिंग शुगर यूज़ कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम या ज़्यादा मीठा रखना है। इलेक्ट्रिक बीटर से क्रीम बहुत जल्दी विप हो जाता है, जो कि हैंड ब्लेंडर में थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए मेरा क्रीम विप हो चुका है, इसमें स्टिफ पिक्स भी आ चुके हैं। तो गाइस, मेरा क्रीम रेडी है। मैंने यहाँ पे ले लिया है चेरी, डार्क चॉको चिप्स, वाइट चॉको चिप्स, मेल्टेड चॉकलेट, और मैंने यहाँ पे ले लिया है प्लेन चॉकलेट केक। ये देखिए ये कितना सॉफ्ट है। तो ये रहा हमारा इंग्रेडिएंट्स, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे चॉकलेट स्पॉन्ज केक, इसे मैं हाफ़ ले रही हूँ क्योंकि मुझे हाफ़ की ज़रूरत है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, आपको समझ आ ही गया होगा। इसे हमें क्रस्ट कर लेना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसे करना है, बहुत ही हल्के हाथों से। बच्चों को बाहर का केक, पेस्ट्री, मूज ये सब बहुत पसंद होता है, क्यों ना इस लॉकडाउन में इसे घर पर ही बना लिया जाए। ये देखिए ये रेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा व्हिप क्रीम। मैं क्रीम को 2 पार्ट में कर ले रही हूँ, एक हमें बनाना है चॉकलेट और एक वनीला क्रीम। तो इसमें मैं डाल रही हूँ मेल्टेड चॉकलेट। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो मेरा चॉकलेट क्रीम बनके रेडी हो चुका है। वनीला के लिए हम इसमें डालेंगे वनीला एक्स्ट्रैक्ट, ये देखिए। इसे अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा दोनों क्रीम रेडी हो चुका है। अब हम इसकी पाइपिंग करेंगे। मैंने यहाँ पे ले लिया है पाइपिंग बैग, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नोजल, आप कोई भी नोजल यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैं किस तरीके से इसकी पाइपिंग कर रही हूँ। ग्लास यूज़ करने से हमारा पाइपिंग बैग बहुत ही ईजिली फिल हो जाता है। तो मेरा वनीला पाइपिंग रेडी हो चुका है, और कुछ इसी तरीके से हमें चॉकलेट पाइपिंग बैग भी रेडी कर लेना है, ये देखिए। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे दोनों पाइपिंग बैग बनके रेडी हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक ग्लास, आप अपने पसंद का ग्लास ले सकते हैं। तो सबसे पहला लेयर हमारा रहेगा केक का, ये वही केक है जिसका मैंने क्रस्ट कर लिया था। फिर उसके बाद मैं इसमें डालूंगी क्रीम। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ चॉकलेट क्रीम, ये देखिए कुछ इस तरीके से। फिर मैं डालूंगी वाइट चॉको चिप्स, ये देखिए। फिर मैं नेक्स्ट क्रीम डालूंगी वनीला क्रीम, ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें कैसे एक एक करके लेयर आ रहे हैं, चॉकलेट केक, चॉकलेट क्रीम। फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ डार्क चॉको चिप्स। वनीला क्रीम के साथ डार्क चॉको चिप्स का कॉम्बिनेशन वाओ, बहुत ही डिलीशियस लगता है। ये देखिए हमारा नेक्स्ट लेयर फिर से है केक का। फिर से मैं डाल रही हूँ चॉकलेट क्रीम। मैं वही चीज फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे वाइट चॉको चिप्स, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पे लेयर्स रेडी कर रही हूँ। व्हाइट क्रीम यानी कि हमारा वनीला क्रीम, ये देखिए हमारा ग्लास पूरा ऊपर तक फिल हो चुका है। तो इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ क्रस्ट केक, डार्क चॉको चिप्स, फिर मैं इसके मिडिल में लगा रही हूँ चेरी। वाओ, चेरी लगाने के बाद ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है।
और इसे और ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पर्क। आप पर्क यूज़ कर सकते हैं, किटकैट या फिर मंच भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कुछ उसी तरीके से मैंने दूसरा ग्लास भी रेडी कर लिया है। ये देखिए मेरे सबसे टॉप में आया है चॉकलेट क्रीम, क्योंकि मैंने लोअर लेयर में डाला था व्हाइट क्रीम, तो इसीलिए मेरा चॉकलेट क्रीम इसके टॉप में आ गया है। तो ये देखिए मेरे दोनों ग्लास रेडी हो चुके हैं और ये देखने में कितने ब्यूटीफुल और कितने ज़्यादा डिलीशियस लग रहे हैं। तो गाइज अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मोर अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।